तो आप देख ही सकते हैं, तो ये रेडी हो चुकी है। मैंने इसमें सारे मसाले, ऊपर से थोड़ा सा जीरा भी और डाल दिया ताकि इसकी खुशबू बरकरार ही। इसको हम क्या करेंगे, आप इसको राजमा दाल को देसी घी में डाल के खाएंगे, चावलों पे जो फुलके के साथ अपनी मर्जी है। मैं तो चावल के साथ ही खाऊंगी क्योंकि राजमा दाल और चावल बहुत पसंद लगते हैं। देसी घी के साथ देसी घी डाल के फिर इसको, इसके अंदर भी देसी घी डाल सकते लेकिन कोई खाता नहीं खाता है, तो अपने हिसाब से खुद से प्लेट में मिला के खाएंगे। मैंने ऐसी प्लेट में मिला मिला के डालेंगे तो वो अच्छा होता है। तो गाइज आप हमें बता सकते हो आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, हमारी डिशेस कैसी लगती हैं, हम जो आउटिंग जाते हैं वहाँ की वीडियोज़ वगैरह डालते हैं आपको कैसी लगती है। आप अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन लाइफ डायरी एंड फूड। तो गाइज आज मैंने सोचा कि राजमा दाल बनाएं, तो ये आप देख सकते हो मैंने राजमा दाल गर्म पानी में भिगोने के लिए रखी है। ये आप देख सकते हैं थोड़ी नरम भी हो चुकी है। ये आप देख सकते, ये देखिए राजमा दाल कितनी अच्छी है, बिल्कुल रेड कलर की। इसको हम आधा घंटा या एक घंटा भिगोने के लिए रखेंगे। तो ये मैंने पानी डाल दिया, इसमें मैं सब कुछ डाल दूँगी मसाला वगैरह। तो और मिलते हैं अभी 5 मिनट के बाद, क्योंकि इसको भिगोने के लिए रखेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और थोड़ी सी हल्दी डाल दी, एक चुटकी हल्दी डाल दी और 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। अब मैं इसमें नमक डालती हूँ, देख सकते 2-3 चम्मच जो है मैं नमक डाल देती हूँ। अपने स्वाद के अनुसार मैंने नमक भी इसमें डाल दिया। अभी मैंने जो ये दाल है ये थोड़ी भिगोने के लिए रखी है, इसका मैं पानी अब निकाल दूँगी। ये आप देख सकते हो ये दाल का पानी भी निकाल दूँगी, इसको बहुत टाइम हो गया। तो मैं पानी फेंक के तो मैं दाल को इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए ये आप देखो, ये आपको पता चल जाएगा ये जो हमने भिगोने के लिए दाल रखी थी, ये देखो इसको ये थोड़ा दिख रहा है थोड़ी नरम हो चुकी है। ये देखिए ये गर्म पानी में मैंने रखी थी, ये अच्छे से नरम हो चुकी है। और इसको भी मैं उसमें डालूँगी। तो इसको मैं डाल देती हूँ इसमें, डाल दी। अब मैं इसको बंद कर दूँगी, नहीं अभी थोड़ा सा मैं इसमें ये हींग भी डालूँगी, पहले ये राजमा दाल डाल दूँ। देखिए मैंने इसमें ये जो राजमा दाल है डाल दी, तो ये आप देख सकते ये हींग जो होता है ये मैं 2 पीस डाल दूँ इतने से, इससे जो होता है पेट में दर्द वगैरह नहीं होता राजमा दाल से, नहीं तो राजमा दाल से पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो हींग के साथ मैं थोड़ी सी अजवाइन भी डालूँगी। ये आप देख सकते ये भी डाल दी मैंने अजवाइन भी, बाकी मसाले मैं डालूँगी जब ये दाल हमारी पक जाएगी, उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूँगी। तो अभी और थोड़ी सी बड़ी इलायची 1-2 कूट के डालूँगी ताकि उसका टेस्ट इसमें चला जाए। तो ये आप देख सकते हैं 2 बड़ी इलायची और दालचीनी मैं इसमें पहले ही कूट के डालूँगी, बाकी मसाले जो है वो मैं बाद में डालूँगी। ये 2 मसाले मैं इसमें कूट के डालूँगी, आप देख सकते हैं 2 इलायची। इसमें दाल में डाल दूँगी, अब इसको जो है कुकर जो है मैं बंद कर दूँगी और इसको मैं 2-3 घंटे के लिए, पहले 2 घंटे पकाऊँगी, उसके बाद अगर देखूँगी पानी सूख जाए तो उसमें फिर मैं पानी भी मिलाऊँगी। इसमें कुकर बंद करके उसको पकाने के लिए डाल देती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं हम दाल के लिए जो है तड़का तैयार कर रहे हैं राजमा दाल के लिए। मुझे सोचे मैंने पहले तेल को बॉयल किया, उसके बाद उसमें प्याज डाले, तो हम तड़का तैयार करेंगे।
मैं इसमें एक दो टमाटर भी डालूँगी काट के, अभी थोड़ा सा प्याज अभी बचे हैं तब तक मैं टमाटर वमाटर को काटूँगी। अब जैसे प्याज अभी बन रही है तो अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी काट के, अब जैसे मैं इसमें दो तीन टमाटर भी डालूँगी राजमा दाल में, तो राजमा दाल का टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। तो ये आप देख सकते हैं टमाटर काट रहे हैं, बेटा बोल रहे हैं साथ में कुछ बोलो भी, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हर टाइम बोलूँ, जब तो मैं टमाटर काट रही हूँ बेटा मुझ पर हंस रहा है। ये टमाटर थोड़ा सा ख़राब है, इसको मैं काट के हमारे प्याज है थोड़े फ्राई हो जाएंगे, टमाटर डालूंगी। ये मैंने टमाटर जो है काट के रखे हैं, ये देखिए ये मैंने छोटे छोटे तीन टमाटर काटे हैं, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये टमाटर भी। बस प्याज पत्ते अभी कच्चा ही है, साथ साथ मैं राजमा दाल को चेक करूँगी ये कैसी बनी है। ये देखिए ये हमारी राजमा दाल जो है बहुत अच्छी बन चुकी है। इसको तो पहले इसको ये तड़का लगाने के बाद उसके बाद मैं इसको और थोड़ा सा पकाऊँगी। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारी राजमा दाल कितनी अच्छी है, अभी तो इसको तड़का भी नहीं लगाया है, या इसको कितनी मोटी बन चुकी है, तो इसको तड़का लगाऊँगी फिर ज़्यादा ही टेस्टी बनेगी। ये हमारे प्याज जो है वो बन चुके हैं, तो मैं इसमें टमाटर ये कटे हुए टमाटर डालूँगी, मसाले कूटूँगी। टमाटर प्याज जो है जब बनेंगे तब टाइम लगेगा, तो तब तक मैं इसमें मसाले कूट के हरी मिर्ची में गोटियाँ डालूँगी। हरी मिर्ची जो सुखा के रेड हो चुकी हैं, यानी कि सूखी हुई मिर्ची है ये, इसका कलर जो राजमा दाल को बहुत अच्छा आता है, तो मैं उसमें डालूँगी। मैं आपको दिखाऊँगी ये हमारी राजमा दाल है, मैंने मसाला जो है कोट लिया है ये भी डाल दूँगी। यहाँ देख सकते हैं कल भी मैंने बड़ी इलायची डाली थी, उस टाइम ये राजमा दाल मैंने बनाने के लिए डाली थी, उस टाइम दो इलायचियाँ मैंने कोट के डाली थी, तो अभी मैंने बाकी मसाले जो है वो कोट के डाल दिए इसमें। अब मैं इसमें क्या डालूँगी, मेथी और ये राजमा दाल, अब इस तरह ये राजमा दाल का ही मसाला है, ये लिखा हुआ है राजमा दाल का मसाला, तो ये भी डालूँगी एक चम्मच, ये खाली राजमा दाल का मसाला है, एक चम्मच डाल दिया। राजमा दाल मेरी कितनी अच्छी बन चुकी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पे सकती है राजमा दाल हमारी तैयार हो चुकी है, और ये तड़के के लिए हमारा टमाटर और हरी मिर्ची भी रेडी हो चुकी है, और ये हमारी राजमा दाल
थोड़ा सा मैं अपने चेक को थोड़ा सा कम है तो मैं डाल दूँगी तो पता ही नहीं चाहिए जीरा या दे सकते हो या देखिए जीरा जीरे में थोड़ा सा उसमें बनने के लिए डालूँगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है जीरे का बन के। ऐसे भी मैंने डाल दिया कोट को तो अब मैं ऐसे भी डाल दूँगी। थोड़ा सा जीरा में इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये दाल के लिए मैंने काली इलायची दो ली है। सबसे पहले इसी को कूटेंगे। उसके बाद इसमें जो कश्मीरी ऑयल होती है वो डालेंगे। ये देखो कश्मीरी ऑयल और ये दालचीनी, ये चीज़ें डाल के इसको कूटेंगे अच्छे से। थोड़ी सी और डालेंगे। उसके बाद हम इसमें ये थोड़ा सा ये भी देसी ही होता है लेकिन ये उतना जो मैंने पहले डाला वो बहुत अच्छा जीरा, ये देसी जीरा डालूंगी और एक ग्रीन कलर की इलायची डालूंगी।
से कूटूंगी। तो मेरा तड़का जो है वो बिल्कुल रेडी है, ये देखो ये मैंने डाल दिया, यह देख सकते हैं, ये देखिए तड़का लगा के दाल कितनी अच्छी लग रही है। ये थोड़ा सा इसको लगा हुआ है, यह देख सकते हो मेरी दाल बिल्कुल रेडी है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें ये दाल दी है, तड़के वाली थोड़ी सी दाल बची थी इसमें, मैंने अच्छे से डाल दी इसके अंदर। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं अच्छे से सीटी दूँगी, एक दो सीटी दूँगी तो हमारी दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको एक दो सीटी इसलिए दूँगी जो ये तड़का है वो अच्छे से राजमा दाल के अंदर चला जाए, अच्छे से मिल जाए, तो इसलिए मैं इसको दो सीटियाँ और दूँगी। तो ये जो हल्के हल्के प्याज जो दिख रहे हैं कि बीस के साथ अच्छे से मिल जाए, इसलिए एक दो सीटियाँ देनी ज़रूरी है। हमारी दाल वैसे अगर आप चाहो तो अभी भी खा सकते हैं, लेकिन मैं दो सीटें दूंगी उससे टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो गाइस आप हमें बता सकते हो आपको हमारे ये राजमा दाल बनाने का तरीका कैसा लगा। तो गाइस आप देख सकते हो ये मेरी राजमा दाल जो है ये देखिए ये तैयार हो चुकी है। आप इसका कलर ही देख लीजिए कितना अच्छा है और कितनी अच्छी बन चुकी है। देखिए मैं अच्छे से मिलाऊँगी, अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है, तो मैं आपको अपनी राजमा दाल दिखाऊंगी कैसी बनी है। यह देख सकते हो बिल्कुल रेडी है, ये देखिए अगर मैं ऊपर ऊपर से भी निकालूंगी देखिए कितनी घनी दाल बनी हो है, यह देख सकते हो बहुत ही मज़ेदार। ये हमारी यहाँ की देसी दाल है, इसको मैंने अच्छे से मिलाया है क्योंकि इसको कूटना भी पड़ता है थोड़ा सा, तो ये तभी जाके मोटी बन जाती है, नहीं तो खाली दाने दाने दिखते हैं। इसको हमने मैश करके ये देखिए हमारी दाल राजमा दाल कितनी अच्छी तैयार हो चुकी है। ये आप देखिए देख सकते हो ये जो राजमा दाल बनाने का तरीका है मैंने जो आपको दिखाया ये बहुत आसान तरीका है, और इसी तरीके से राजमा दाल बनती है। क्योंकि जब भी हम राजमा दाल बनाते हैं सबसे पहले उसको धो के तो उसको गर्म पानी में भिगोने के लिए रखते हैं आधे घंटे के लिए, उसके बाद हम उसको पानी में डाल के थोड़ी सी हल्दी तो और थोड़ी सी मिर्ची डाल के इसको हम पकाते हैं, बाद में हम इसको तड़का लगा के बाकी मसाले डालते हैं। और मैंने साथ में जब बनाने के लिए डाला था दो इलायची भी डाली थी, बड़ी इलायची कूट के, तो क्योंकि उस टाइम इसका टेस्ट अच्छे से बन के आ जाए। ये देखिए मेरी राजमा दाल बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, बच्चे वैसे ही बहुत पसंद करते हैं, बच्चे तो क्या बड़े भी पसंद करते हैं राजमा दाल। मैंने आज शौक से राजमा दाल बनाई है, रोज़ रोज़ मीट की डिश बना बना के तो मैं भी तंग आ गई, आप भी तंग आ गए, और आज मैंने सोचा कि आज हम राजमा दाल बनाएंगे, तो इसलिए मैंने ये राजमा दाल बना ली। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी बन चुकी है ये राजमा दाल। यहाँ देखिए हाँ सबसे आसान तरीका है ये राजमा दाल बनाने का, और अच्छे से बन भी जाती है। बच्चे जो हैं बच्चे राजमा दाल को बहुत पसंद करते हैं, एंजॉय करके ही खाते हैं, रोज़ मीट खा खा के वो तंग आ जाते हैं, इसलिए बीच बीच में हम दाल भी बनाते हैं। खासकर राजमा दाल तो तकरीबन हमारे घर में बनती रहती है, और ये हमारे यहाँ लोकल बनती है राजमा दाल, हमारी बुजुर्गों की पहचान है राजमा दाल, तो राजमा दाल के बिना हमारा खाना अधूरा लगता है, तो इसलिए मैं राजमा दाल बना ली। या फिर मैं चने की दाल बनाती हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद है। फिलहाल राजमा दाल बच्चे भी खाते हैं, हम सब भी खाते हैं, इसलिए मैंने आज राजमा दाल बना ली। तो आप देख ही सकते हैं तो ये रेडी हो चुकी है, मैंने इसमें सारे मसाले ऊपर से थोड़ा सा जीरा भी और डाल दिया ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। इसको हम क्या करेंगे, आप इसको राजमा दाल को देसी घी में डाल के खाएंगे, हाँ चावलों पे हाँ फुलके के साथ अपनी मर्जी है, मैं तो चावल के साथ ही खाऊंगी क्योंकि राजमा दाल और चावल बहुत पसंद लगते हैं। देसी घी के साथ देसी घी डाल के फिर इसको इसके अंदर भी देसी घी डाल सकते हैं, लेकिन कोई खाता नहीं खाता है तो अपने हिसाब से खुद से प्लेट में मिला के खाएंगे, मैंने ऐसी प्लेट में मिला मिला के डालेंगे तो वो अच्छा होता है। तो
हाँ, तो गाइज आप हमें बता सकते हो आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, हमारी डिशेस कैसी लगती हैं, हम जो आउटिंग जाते हैं वहाँ की वीडियोस वगैरह डालते हैं आपको कैसी लगती है। आप हमें बताइए कि हम ऐसा नया क्या डालें जिससे आपको जो आपको अच्छा लगे। मैं दिल्ली गई थी, मैंने वो वीडियोस भी डाले। मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं वो सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं अपनी हर एक खुशी और गम को आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज आप ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी नई डिश के साथ नए नए कुछ और इवेंट होंगे हमारे, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो सकते हैं।